तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग इज लाइक ऑन ट्रैक, बैक ऑन ट्रैक आई होप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और एक गुड न्यूज़ है उसी से रिलेटेड हमारे, मतलब हमारी फैमिली के लिए, जो हम लोगों ने जो मेहनत की है, जो सपोर्ट दिखाया तुम लोगों, उसका एक रिजल्ट आया, दैट इज़ कि हमारी वीडियो देखने के बाद में एक कॉलेज को अपनी फीस कम करनी पड़ गई। यस, पहले उस कॉलेज की फीस थी 1,10,000 रुपये एंड अब हो गई 87,000। इधर साइड या इधर साइड में कहीं पे स्क्रीनशॉट आ रहा होगा जो उस कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट ने भेजा है। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो भैया आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि सारे कॉलेज में जो है एक, मतलब हम जो भी माफियागिरी चल रही है उसको हम ख़त्म कर सकें। और हाँ, माफियागिरी से याद आया, आपको शायद पता होगा कि भैया ग्रेटर नोएडा के अंदर एक कॉलेज है आईटीएस करके एक कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में। अगर नहीं पता तो गूगल करना, आईटीएस करके एक कॉलेज है। उस कॉलेज के अंदर भैया सीधी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सीधी मतलब कंपलसरी कर दिया गया है ये स्टूडेंट्स के लिए कि भैया 4 अगस्त से तुम्हारी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं ऑनलाइन, तो 3 अगस्त या उससे पहले आपको 50,000 रुपये फीस सबमिट करनी ही है। तो अब हम आज जो है इसकी एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कहाँ तक ये स्क्रीनशॉट सही है, कहाँ तक गलत है, और कितनी फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं, और उसमें कितना परसेंटेज ये मैंडेटरी कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको पे करना है। हाँ जी भैया, तो अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही फनी चीज़ बताने वाला हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो माफियागिरी जो चल रही है, कि इन्होंने जो फीस फिक्सेशन कमेटी के नाम पर जो इन्होंने अलग अलग धांधली अलग अलग कॉलेज में करके रखी है। देखो लास्ट वीडियो में बताया था कि GNIT ने जो है 91,000 फीस जो है बता के रखी है कि भैया ये प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ फी फिक्सेशन कमेटी फॉर्म बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उन्होंने 91,000 थी उनके लिए। अभी ITS की देखो, ये देखो स्क्रीनशॉट आ रहा है ना, इसमें देखो एकेडमिक फीस 1,06,000 पर ईयर प्रोविजनली सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ फी फिक्सेशन कमेटी फॉर्म बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक बात बताओ, कमेटी एक ही फॉर्म है, अलग अलग कैसे हो रही भाई? मतलब ये कमेटी क्या कर रही है कि एक एक कॉलेज को अलग अलग फीस बता रही है कि नहीं, तुम 1,06,000 चार्ज करना, तुम 91,000 चार्ज करो, तुम 80,000 चार्ज करो, तुम एक काम करो, तुम 2,00,000 रुपये चार्ज करो, तुम 1,50,000। मतलब चल के आ रहा है, तुमने मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है क्या? तुमने मतलब फीस फिक्सेशन कमेटी का मजाक भाई उसके नाम पर कुछ भी कर रहे हो, धांधलीबाजी कर ही जा रहे हो। और उसके आगे हम बढ़ते हैं, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के 9,000 रुपये अलग से तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है। प्लस स्टूडेंट वेलफेयर में 7,000 रुपये अलग से चार्ज करो, 9-7 कितने हो गए, 16,000 रुपये, गिनते रहना अभी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फीस 2,500 रुपये तुम चार्ज कर रहे हो। अभी उन्होंने टोटल होते जाके हैं पैसे 1,24,500 रुपये होते जाके हैं एक साल की फीस के। और इधर जो स्क्रीनशॉट जो आपको पहले भी दिखा था और अभी भी दिख रहा है कि उसके अंदर दे रहे हैं कि 50,000 तुम्हें जो है ना मैंडेटरी तुम्हें फीस सबमिट करनी ही करनी है 3 तारीख तक। सर दो क्वेश्चन, पहली चीज़ तो ये है कि मैंडेटरी फीस 50,000 जो आप बोल रहे हो, मतलब क्या आपके कॉलेज में अंबानी के लड़के पढ़ते हैं? जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं कॉलेज ITS के अंदर जिनके बारे में मुझे पता है कि भैया वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं सर, और बिहार में बाढ़ आई पड़ी है, और आप कह रहे हो 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हो कि नहीं 50,000 तुम्हें ये मैंडेटरी है स्टार्टिंग में देने। मुझे पता, अब देखो मैं हंस इसलिए रहा हूँ ऐसे सीरियस टॉपिक के ऊपर कि भाई साहब अलग अलग कॉलेज, जिस कॉलेज की वेबसाइट आप खोल के देखो उसी कॉलेज के अंदर एक नई इन्होंने माफियागिरी निकाल के रखी हुई है कि इसमें इतना वो है इसमें। सर क्यों अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, वो चीज़ मैं फिर से मैं रिपीट करना चाहूँ जो लास्ट वीडियो में थी कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है सर, आपके घर में अगर दाल रोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके सबके घर में दाल रोटी है। आपको कोई आइडिया भी है कि स्टूडेंट जो है पैसे कहाँ से ला करके देते हैं, कहाँ से लोन लेते हैं, क्या करते हैं, और कितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितनों को मैं जानता हूँ उसमें से 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं फार्मर्स के बेटे हैं। फार्मर्स क्यों? किसान होता है, किसान सोचता है कि भैया बड़े कॉलेज में भेजेंगे कुछ बीटेक वगैरह कुछ अच्छे से करवा लेंगे तो भैया नौकरी लगेगी और अच्छा सा कुछ हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बनेगा, हमारा घर संभलेगा, हमारी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी। आपको क्या लगता है एक किसान कितना कमाता है? और कमाना छोड़ो, इस पेंडेमिक के टाइम पर क्या कर रहा है किसान? जो भी अनाज पैदा हुआ 2-4 उसके पास में अनाज बेचने के लिए, क्योंकि देखो उसके पास केवल एक ही रास्ता होता है पैसे निकालने का, दैट इज की खेती करके भैया अनाज बेचो, उसी में पैसा आएगा। मंडी भी बंद पड़ी हुई है, आड़त बंद पड़ी हुई है, भैया वो बेचे तो बेचे कहाँ से? और वो भी अगर बेचना भी जाता है ना, अगर कोई एक अगर मंडी अगर आड़त अगर खुली हुई है तो वहां भी यही धांधली चल रही है कि भाई साहब 20,000 रुपये की चीज आपको 10,000 रुपये में बेच रहे हो, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है भैया, क्या करें मजबूरी है, क्योंकि बच्चे की फीस बननी है,
नहीं तो फिर किसान अपने अपनी खेती बेचेगा कि नहीं भैया अगर अगर ये नहीं किया तो बच्चे की फीस नहीं भर पाएंगे, तो बच्चे कहीं स्कूल से कॉलेज से निकाल ना दें, और अगर कॉलेज से अगर निकाल दिया या फिर क्लासेस नहीं कर पाया बच्चा, अगर डिटेंड हो गया तो उस सपने का क्या करेंगे जो सपना देख करके मैंने भेजा था बच्चे को कॉलेज के अंदर कि शायद हमारी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन हमारी सही हो जाए, बाहर जाएगा अच्छे कॉलेज में जाएगा तो अच्छी पढ़ाई करेगा। आई फील सॉरी फॉर दैट फॉर पेरेंट्स कि लाइक वो ये सोचते हैं कि एक अच्छा कॉलेज, एक नाम देख लिया कि ठीक है ये अच्छा कॉलेज है, यहाँ के जो कॉलेज के चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, डीन है, वो अच्छे होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार होंगे, वो चीज़ों को समझेंगे। बट आई एम सॉरी अंकल जी, जो 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 भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आई एम सॉरी, यहाँ कोई भी समझदार नहीं है, यहाँ पे सबको अपने बिजनेस की पड़ी हुई है, सबको अपने बस वही चाहिए कि कैसे करके गरीब इंसान का पेट काट के, गरीब इंसान को चूस कर, खून चूस के उसके पैसे निकाले जा सकें और हम अपना धंधा बढ़ा सकें। हाँ ये चल रहा है, सही बात है, आपने 1,24,500 रुपये चार्ज कर रहे हो आप एक साल के, वहीं फी फिक्सेशन कमेटी ने जो है वो 55,000 रुपये केवल फीस फिक्स की है। नहीं मतलब क्या, आप अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, किस चीज़ के लिए भैया? आप ऐसी कौन सी फैसिलिटी इस टाइम पर आप प्रोवाइड करवा रहे हो स्टूडेंट को जो आप 70,000 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो? सर देखो, मेरी आपसे कोई भी पर्सनल, कोई देखो किसी से भी, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से मेरी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस उन स्टूडेंट्स की तरफ से और उन पेरेंट्स की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ और जो डर की वजह से जो नहीं बोल पाते हैं कि भैया, क्योंकि सीधी सी बात है आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार जो है ना कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बोलेगा तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आपके पास में आप इंटरनल कम दोगे, आप उसको परेशान करोगे, आप उसको डिटेन कर दोगे, आप कुछ ना कुछ नए फाइन लगाओगे उसके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पैसे हटने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही चीज़ अगर आपके साथ की जाए, ये चीज़ जो 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 भी मैनेजमेंट है ITS कॉलेज का, जो भी मैनेजमेंट है, ये चीज़ सर अगर आपके पास में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसने ये चीज़ करवा रहा है, जो कि 50,000 आप स्टार्टिंग में दो कंपलसरी है, 50,000 3 तारीख तक सबमिट करना, एंड 1,24,000 आप 55,000 की, जो 55,000 जो फिक्स फीस है उसकी जगह आप 1,24,500 रुपये आप चार्ज करो, मतलब 69,500 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, आई मीन लाइक डबल से भी ज़्यादा यार। नहीं मैं जाना, और उसमें ना उसमें एक स्टूडेंट्स ने जवाब देने की भी कोशिश की थी, एक स्टूडेंट साइड में स्क्रीनशॉट आ रहा होगा आपके, एक स्टूडेंट्स ने देखो जवाब दी देने की स्टार्ट कोशिश की थी, जहाँ पर जो मैसेज आया था, डियर ऑल यू नीड टू डिपॉजिट ₹50,000 इनिशियली एज एकेडमिक फीस बाय 3/8/2020 पॉजिटिवली एज वी आर स्टार्टिंग क्लासेस फ्रॉम 4/8/2020, ठीक है। एंड उसके बाद में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, डियर ऑल सर एंड मैनेजमेंट ऑफ ITS इंजीनियरिंग कॉलेज, सर आई एम अनेबल टू ₹50,000 You know, I am not a son of Ambani, Birla and Tata and our father's business is not like Ambani, so please give us some time. ये देखो आई नो थोड़ा सा मतलब ये बोल दिया, देखो गुस्सा तो सबको आता है अगर आप ऐसे मैंडेटरी करो कि भैया नहीं 50,000 आपको जमा करने हो, जो गरीब इंसान जिसके पास पैसे नहीं है बोलना बोलेगा वो तो। उसके बाद में पता नहीं कौन सी ब्रांच के हैं ये, बट उनके HOD सर ने मैसेज किया, डियर ऑल स्टूडेंट्स, इट्स एन ऑफिशियल ग्रुप, You should think first before writing anything. College is asking your academic fee and we are considering your all concerns. That is why asking to deposit fees in 2 installments. Okay, wait. पहली चीज़ सर, ठीक है आपने बोला कि ऑफिशियल ग्रुप है तो लिखने से पहले थोड़ा सोचो, फेयर इनफ, सही बात है कि ठीक है, रेस्पेक्टेड टीचर्स हमारे, रेस्पेक्टेड HOD सर, डीन सर, सारे लोग हैं, सारे हमसे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। HOD सर, मेरा केवल एक क्वेश्चन है आपके अगले वाले स्टेटमेंट पे, दैट इज़ कि आपने बोला कि कॉलेज इज आस्किंग योर एकेडमिक फीस एंड वी आर कंसीडरिंग योर ऑल कंसर्न्स, वेट सर, आप कौन से कंसर्न आप उसके कंसीडर कर रहे हो स्टूडेंट्स के? आपने स्टूडेंट्स से आपने सर्वे करवाया कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कंसर्न हैं स्टूडेंट्स के? आपने सर्वे करवाया स्टूडेंट से, पूछा आपने स्टूडेंट से कोई भी कंसर्न पूछा आपने? इसके अलावा आपने लिखा कि दैट इज वाई आस्किंग टू डिपॉजिट फीस इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, सर 50,000 पहले जमा करो, उसके बाद में जो बाकी की फीस है वो आप बाद में जमा कर दो, लगभग 70-72,000 जो भी है। पहली चीज आप यहीं पर गलत है सर कि आपने कंसर्न पूछे नहीं, पूछे सर आपने अगर स्टूडेंट से अगर आपने पूछे होते ना कंसर्न, तो आप ये नहीं बोलते कि 50,000 पहले जमा करो। आपको अगर स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स की इतनी भी अगर आपको पड़ी होती,
और उसके बाद में रही बात जो आप बोल रहे हो कि टू इंस्टॉलमेंट्स, सर मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा है, 55,000 से ऊपर किस चीज की फीस ले रहे हो आप? बस एक चीज बताओ, तो किस चीज की आप फीस ले रहे हो? ट्यूशन फीस जो है स्टूडेंट्स अपनी सबमिट कर तो रहे हैं 55,000 रुपए, वो तो मना नहीं किया स्टूडेंट्स ने सबमिट करने के लिए, बट उससे ऊपर आप किस चीज के लिए आप पैसे मांग रहे हो? डियर एचओडी सर, डियर डायरेक्टर सर, डियर चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट, डियर बोर्ड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई रेस्पेक्ट यू। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है आपको डिफेम करने का। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि सर ये जो आप एक्स्ट्रा मार्जिनल जो फीस आप चार्ज कर रहे हो, प्लीज़ ये पैंडेमिक का टाइम है सर, ये बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है। आप लोग पहले करते थे, कभी किसी ने भी कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आप फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवाते थे, बट ये एक सिचुएशन है जहाँ पर हम सब एक साथ हैं और हम सबको एक साथ बाहर आना है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे कोई फार्मर हो, चाहे कोई अंबानी हो, हम सब इस सिचुएशन के अंदर एक साथ हैं और हम सबको एक साथ बाहर निकलना पड़ेगा और हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। अगर हम साथ नहीं देंगे सर तो प्रॉब्लम होगी, मे बी आपको कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा, आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, बट सर एट द सेम टाइम स्टूडेंट और स्टूडेंट की फैमिली मर रही है, उनको आपको नहीं पता, क्योंकि मेरा पूरा घर गांव से बिलोंग करता है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने सिचुएशंस देखी हैं, मुझे पता है कि फीस कैसे कलेक्ट की जाती है, कितनी परेशानी से कुछ पेरेंट्स यहाँ तक उन्हें जाना पड़ता है कि उन्हें अपने जेवर जो होते हैं, जो गोल्ड या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें, उन्हें गिरवी रखनी पड़ जाती हैं, उन्हें खेती बेचनी पड़ जाती है, उन्हें अपने घर का अनाज, अपने जानवर, अपनी चीज़ें बेचनी पड़ जाती हैं ताकि आप लोगों की फ़ीस सबमिट कर सकें। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये, क्या एक इंसानियत के नाते क्या हम इस टाइम पर अपने फार्मर्स, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खड़े नहीं हो सकते? सर आप लोग हमेशा बोलते हैं कि टीचर्स, एचओडी और जो भी लोग हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, वो सब स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए हैं, स्टूडेंट की भलाई के लिए हैं, स्टूडेंट के लिए ही भला सोचते हैं। सर ये कैसा भला है कि स्टूडेंट जो है 55,000 जो है फीस है उसकी जगह वो 1,25,000 रुपये, वो डबल से भी ज़्यादा, इवन उसे कोई फैसिलिटीज भी नहीं मिली। आई नो आपका बिजनेस है, आपको भी बिल्स पे करने होते हैं, आपको भी फैकल्टीज को पेमेंट करनी होती है, क्या हम एक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट और टीचर्स दोनों मिलके? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 1,70,000 अगर आप 1,24,500 अगर आप चार्ज कर रहे हो, उसकी जगह क्या हम कुछ फीस कम कर लें, जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन जो प्रॉफिट है उसको अगर हम थोड़ा सा हम कम कर लें, उसकी जगह ठीक है 1,00,000 चार्ज कर लो, 90,000 चार्ज कर लो, क्या हम वो चार्ज करके? क्योंकि देखो मैं आपकी भी साइड में समझता हूँ कि आपको जो बिल्स देने हैं, आपको जो फैकल्टीज को जो आपको सैलरी देने, वो आप कहाँ से निकालोगे, यहीं से निकालोगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, बट थोड़ा सा तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना सर। 70,000 में से अगर आप पर हेड, क्योंकि पर हेड अगर आप 70,000 अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो उसकी जगह अगर आप 50,000 और मे बी 45,000 ऐसा कुछ अगर आप प्रॉफिट ले लो, और पर हेड से अगर हम देखें तो एक टीचर की तो सैलरी बड़े आराम से पर हेड निकल आएगी, 40,000 रुपये बहुत होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर प्लीज़ सपोर्ट योर स्टूडेंट्स, प्लीज़ वी ऑल आर इन दिस सिचुएशन ऑल टुगेदर, एंड हम सबको एक साथ ही हमें बाहर निकलना है, दैट्स ऑल। एंड आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ITS कॉलेज और एनी अदर कॉलेज, जिस भी कॉलेज से आप हो, आई जस्ट वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सपोर्ट योर कॉलेज, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट योर पेरेंट्स टू, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, क्योंकि हम सब इसमें साथ हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होगे तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, ये धांधलीबाजी कभी नहीं बंद होगी, ये बिजनेस, ये माफियागिरी कभी भी नहीं बंद होने वाली है। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको खड़ा होना पड़ेगा, एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल द कॉलेजेस, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज कॉर्पोरेट विद द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स इन दिस पैंडमिक टाइम, प्लीज कॉर्पोरेट, बिकॉज एवरी वन इज नॉट अंबानी और टाटा और बिरला और बिजनेस मैन लाइक यू, नॉट एवरी वन इज अर्निंग लाइक यू, सो या लेट्स स्प्रेड दिस मैसेज, लव ईच अदर, बाकी का प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज सपोर्ट मी, बिकॉज इन दिस फाइट आई एम ऑल अलोन एंड आई वॉन्ट ऑल योर सपोर्ट, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम जस्ट ऑल अलोन, क्योंकि मुझे जो चीज़ें गलत लग रही हैं उसके अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरा हक है, दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें
कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और ये चीज मैं बोलना नहीं बंद करूंगा। पीस।